वेलकम स्टूडेंट्स, वंस मोर लेट्स रिवाइज यूअर थ्री चैप्टर्स विच कम अंडर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया टाइटल्ड ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुक एंड टी फ्रॉम असम। तो बच्चों, हम तीन चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुक एंड टी फ्रॉम असम इस ऑनलाइन क्लास के अंदर है वो रिवाइज करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ए, टेल और राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स और राइट और रॉन्ग। तो आपने ये बताना है कि ये जो कथन नीचे दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तीन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड हैं, ये राइट हैं या रॉन्ग हैं। तो फर्स्ट है, अवर एल्डर्स इन गोवा आर ऑफन हार्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट देयर ओल्ड इंग्लिश डेज। हमारे जो एल्डर्स गोवा के अंदर हैं, रहने वाले हैं, वो बड़े दुख के साथ अपने इंग्लिश दिनों को याद करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये गलत है, ये सही नहीं है। बिकॉज एल्डर्स इन गोवा आर रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगी डेज, नॉट इंग्लिश डे। वो अंग्रेजों के जमाने के दिनों को याद नहीं करते, वो पुर्तगाल के शासन के दिनों को याद करते हैं। तो जो आंसर्स हैं वो सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो एंड के अंदर है वो दिए गए हैं। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर्स हैं ये। ओके, फॉल्स है ये, पुर्तगी डेज है वो सही आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर टू। ओके, क्वेश्चन नंबर टू पर आ रहा हूं मैं। तो बार बार मैं रोल नहीं करूंगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। द बेकर फ्रॉम गोवा मेड हिज एंट्री विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ। स्टाफ क्या होता है? एक स्टिक होती है। जो गोवा के अंदर बेकर हुआ करते थे वो झैंग झैंग की आवाज करता हुआ, जो कि बांस की बनी हुई एक छड़ी होती थी, उससे वो आवाज करता हुआ आता था। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कुर्गी होम्स आर नॉट नोन फॉर ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी लोगों के जो घर हैं वो मेहमान नवाजी के लिए नहीं जाने जाते। तो ये स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। कुर्गी होम्स आर नोन फॉर ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। क्वेश्चन नंबर फोर, कुर्ग इज पॉपुलर फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसिस एंड कॉफी प्लांटेशन। कुर्ग है वो हरे भरे जंगलों के लिए, स्पाइसिस मसालों के लिए, और जो कॉफी होती है कॉफी के बागों के लिए जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ये राइट है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन यूरोप इन 2700 BC। टी है वो सबसे पहले 2700 ईस्वी पूर्व यूरोप के अंदर पी गई थी। तो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, नॉट इन यूरोप, इन 2700 BC। तो टी सबसे पहले चाइना के अंदर 2700 ईस्वी पूर्व है वो पी गई थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देर आर टू टी लीव्स स्प्राउटिंग पीरियड्स इन असम एंड वी गेट द बेस्ट टी फ्रॉम मई टू जुलाई। असम के अंदर दो बार नए पत्ते आते हैं चाय के पौधों के अंदर, और हमें सबसे अच्छी चाय है वो मई से जुलाई के बीच में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, ये बिल्कुल सही है, राइट है। अब बी टाइप के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड और वन फ्रेज। आपने आंसर है वो एक वर्ड के अंदर या एक फ्रेज के अंदर है वो देना है। आंसर्स मैंने आपको बता दिया कि आंसर्स हैं सभी क्वेश्चंस के एंड के अंदर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन, चाय चीनी एंड टी आर चाइनीज वर्ड। चाय चीनी और टी है वो चाइनी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, इन्हें वहां से लिया गया है। तो मैं आपको रोल करके दोबारा से दिखाता हूं कि जो आंसर्स हैं वो एंड के अंदर है वो दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हो आंसर्स को। ओके, आंसर्स को आप देख सकते हो। तो फिलिप्स है ये, इसके अंदर है वो, क्वेश्चन नंबर सिक्स था, तो चाइनीज वर्ड्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है वो चाइनीज वर्ड है। क्वेश्चन नंबर सेवन था ये, नॉट सिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर एट। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, तो रोल नहीं करूंगा बार बार, टाइम वेस्ट होता है इससे। क्वेश्चन नंबर एट,
डैश एंड डैश विजिटेड असम ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन. वेकेशन हॉलीडे होती है. राजवीर एंड प्रेंजोल, ओके, बोथ आर फ्रेंड एंड दे आर स्टडिंग इन ए स्कूल इन न्यू दिल्ली. दे विजिटेड असम ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन. राजवीर और प्रेंजोल अपनी गर्मी की छुट्टियों के अंदर है वो असम जाते हैं. ए बेकर इन गोवा इज ऑल्सो नोन एज ए पेडर, ओके, PADER. बेकर को गोवा के अंदर है वो पेडर भी बोला जाता है. द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कभाई. उस वक्त जो बेकर था गोवा के अंदर, उसकी एक स्पेशल, पेक्यूलियर स्पेशल होती है, स्पेशल तरह की ड्रेस होती थी जिसको हम कभाई कहते थे, KABAI, कभाई. क्वेश्चन नंबर 11. कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग या कडागु भी बोलते हैं इसको. ये कर्नाटका के अंदर, जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है, ओके, कोस्टल एरिया है वहां, कर्नाटका का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा जिला है. क्वेश्चन नंबर 12. डैश इन रेड ऑर्चर एंड येलो रॉब्स आर अमंगेस्ट द मेनी सरप्राइजेस दैट वे टू डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया इन कुर्ग. तो यहां पर आएगा मंक्स इन रेड ऑर्चर, जो सन्यासी हैं, जो कि लाल रंग का एक चोला सा पहन लेते हैं और येलो रंग का रोब्स पहन लेते हैं, वो वहां के विजिटर्स के लिए सरप्राइज होता है, जो कि भारत की आत्मा और भारत के दिल को खोजने के लिए आए होते हैं कुरुक के अंदर. क्वेश्चन नंबर सी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, ओके. सी टाइप के क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स. आपने वन और टू वर्ड्स के अंदर है इनका आंसर्स है वो देना है, ओके. वन और टू वर्ड्स के अंदर है आपने इनका आंसर है वो देना है. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज द स्पेशल टाइप ऑफ स्वीट ब्रेड मेड ऑन मैरिजेस एंड क्रिसमस इन गोवा. वो स्पेशल टाइप का कौन सा ब्रेड होता था जिसको शादियों के लिए और क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए गोवा के अंदर है वो बनाया जाता था. तो इसका आंसर है स्वीट बॉल, ठीक है, स्वीट बॉल है वो बनाया जाता था. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट कमेंट डज ए पर्सन गेट हु इज वीरिंग ए हाफ पैंट विच रीच इज जस्ट बिलो द नीज. कोई भी व्यक्ति अगर हाफ पैंट से थोड़ा ज्यादा घुटनों तक जाने वाली पैंट है वो पहन लेता है, तो उसको क्या कमेंट है वो मिलता है, तो इसके लिए क्या आएगा, पैडर, ओके, उसको पैडर बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. भारतीय जो आर्मी थी उसका पहला चीफ है वो कौन था. तो इसका आंसर है जनरल कैरियप्पा एंड ही बिलोंग टू कुर्ग, और वो कुर्ग का रहने वाला था. क्वेश्चन नंबर 16. नेम द रिवर विच गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. उस नदी का नाम बताना है जो अपना पानी कुर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से लेती है. तो रिवर कावेरी है इसका आंसर, जो कर्नाटका से होती हुई तमिलनाडु के अंदर भी जाती है. क्वेश्चन नंबर 17. वेयर वॉज द टी फर्स्ट ड्रंक इन 2700 BC. 2700 BC के अंदर चाय है वो सबसे पहले कहां पी गई. तो आंसर है इन चाइना. क्वेश्चन नंबर 18. वेन डिड टी रीच यूरोप. यूरोप के अंदर टी है वो कब पहुंची. तो इन दी 16th सेंचुरी टी रीच यूरोप, ओके. 16वीं शताब्दी के अंदर है वो चाय यूरोप के अंदर पहुंची. वेन ब्रिटिश, डच, पुर्तगीज एंड स्पेनिश पीपल केम टू कंट्रीज लाइक इंडिया. तो जब डच लोग, स्पेनिश लोग, इंग्लिश लोग, फ्रांसीसी हैं वो, फ्रेंच लोग हैं वो, भारत जैसे देशों के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे, तो तब उन्हें चाय के बारे में पता चला. काफी पिछड़े हुए लोग थे, वेरी बैकवर्ड. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं. पिक और चूज द बेस्ट और राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 19 to 33. तो आपने ये डी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो शुरू हो रहे हैं, ओके, नॉट सी बट डी टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. तो आपने क्या है, क्या करना है, डी टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपने राइट आंसर है वो चूज करना है,
ओके क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 33 तक। तो वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग है वो कहां पर है, इन गोवा, गोवा के अंदर है, या इन असम, असम के अंदर है, या मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है, या फिर इन बनारस, या बनारस में पड़ता है। तो आंसर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो इसका आंसर है वो सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डू द टूरिस्ट प्रेफर टू विजिट इन कुर्ग। तो जो टूरिस्ट हैं, जो कि घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, वो कब कुर्ग के अंदर है वो आना पसंद करते हैं, ठीक है, वो किस समय आना चाहते हैं, जनवरी टू, ये ऑप्शन है जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च के अंदर आते हैं, या अप्रैल टू जुलाई के अंदर आते हैं, या मई टू अगस्त के बीच में आते हैं, या सितंबर टू मार्च आते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, द टूरिस्ट प्रेफर टू कम इन कुर्ग फ्रॉम सितंबर टू मार्च। क्वेश्चन नंबर 21, ओके 21 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेम ए लार्ज फिश, फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग। कुर्ग के अंदर ताजा पानी में रहने वाली मछली है वो क्या है, ए महाशेर, बी स्लेंडर लॉरिस, सी कुपिया, और डी है मोहात्स। तो यहां पर राइट आंसर है वो हमारा है ए, ओके महाशेर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग। महाशेर एक ऐसी मछली है जो कुर्ग के ताजा पानी के अंदर पाई जाती है। जो स्लेंडर लॉरिस है वहां का एक बंदर है जो छोटा होता है। कुफिया वो एक बेल्ट की तरह से पहनते हैं, और जो मोहास हैं वो हाथियों को वहां पर नहलाते हुए दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा के अंदर रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो किस बात को बड़े दुख के साथ याद करते हैं, देयर ब्रिटिश डेज, अपने ब्रिटिश काल के दिनों को, देयर चाइनी डेज, अपने चाइना के समय के दिनों को, या देयर ओल्ड पुर्तगी डेज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, या पुर्तगाल शासन के दिनों को और वहां की ब्रेड की रोटियां हैं उनको याद करते हैं, या फिर डी है देयर फ्रेंच डेज, या अपने फ्रेंच फ्रांसीसी समय के दिनों को याद करते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगी डेज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाय फ्रॉम द बेकर इन गोवा। जो बच्चे हैं वो बेकर जो होता था, जो ब्रेड बनाता था वहां पर, उससे क्या खरीदना पसंद करते थे, बोल, लॉव्स, केक्स, या ब्रेड बैंगल्स, या ब्रेड बैंगल्स। तो यहां डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, द चिल्ड्रन would like to buy bread bangles from the baker in Goa. Question number 24, how many times would the baker in Goa come to sell his items in the Portuguese days? पुर्तगी दिनों के अंदर जो बेकर के अंदर बेकर थे गोवा के अंदर, वो कितने बार दिन के अंदर आया करते थे, once a day एक बार, twice a day दो बार दिन के अंदर, thrice a day तीन बार, और ट्वाइस ए मंथ या मंथ में दो बार। तो बी ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट है, द बेकर इन गोवा वुड कम ट्वाइस ए डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज ए मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स पर गोवा के अंदर क्या जरूर बनाया जाता था, केक्स, पोहिलास, ब्रेड बैंगल्स, बोल एंड लॉव्स, या डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो केक्स एंड बोहिनलास वर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स इन गोवा। ओके, केक्स और बोहिनलास जो कि एक मीठा ब्रेड होता था, वो क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स पर जरूर बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डिड द बेकर इन गोवा लुक और अपीयर। गोवा के अंदर जो बेकर हुआ करता था वो कैसे दिखता था, थिन एंड स्लिम, पतला और लंबा, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, या उसकी जो अपीयरेंस है, शक्ल है वो जैक फ्रूट, एक जैक फ्रूट की आप पिक्चर है वो गूगल से सर्च करके देख लेना, मैंने तो कभी खाया नहीं है,
जैक फ्रूट की तरह से होता था उसकी शक्ल, या हैविंग ए प्लम फिजिक, या वो बड़ा मोटा ताजा सा होता था, या डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो यहां पर ऑप्शन है वो हमारा डी है, वो करेक्ट है। द बेकर इन गोवा अपियर्ड लाइक जैक फ्रूट, ओके, हैविंग ए प्लम फिजिक। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर दी वाइल्ड क्रिएचर फाउंड इन कुर्क। कुर्क के अंदर मिलने वाले जो जंगली जानवर हैं, क्रिएचर्स जानवर होता है, वो कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है एलिफेंट्स एंड मालाबार स्क्वेरल्स, बड़े गिलहरियां हैं या हाथी हैं, स्लेंडर लॉरिस छोटे बंदर और लंगूर हैं, किंग फिशर्स एंड बटरफ्लाइज। किंग फिशर भी बर्ड्स होते हैं ब्लू कलर के, और बटरफ्लाइज हैं, या ऑल दी अबव। तो यहाँ डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस, सभी के सभी जो क्रिएचर्स हैं वो कुर्ग के अंदर है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जो बड़े ही आजाद रहने वाले लोग हैं, उनका ओरिजिन, उनका अस्तित्व कहाँ से है। ग्रीक से है, यूनान से है, अरब से है, या पुर्तगीज, वो पुर्तगाल से हैं, या बोथ ए एंड बी। तो यहां पर दो स्टोरीज हैं उनके बारे में, ओके। वन स्टोरी सेज दैट दे आर ऑफ ग्रीक ओरिजिन, एंड द अदर स्टोरी सेज दैट दे आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन। तो यहाँ डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, विच रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेकोरेटेड वन। भारत की सेना की कौन सी टुकड़ी है जो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है, सजी हुई होती है। सिख रेजिमेंट है, आरसीएफ रैपिड एक्शन फोर्स, ओके, आर रैपिड एक्शन फोर्स, ओके, आरएएफ है ये, रैपिड एक्शन फोर्स है, या फिर कुर्ग रेजिमेंट है, या डी है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो बी है, वो करेक्ट है, कुर्ग रेजिमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30th, वेयर डिड प्रेंजोल फादर ओन ए टी गार्डन। प्रेंजोल के फादर का जो चाय का बाग है वो कहां पर था। देखियाबारी के अंदर था, गोवा के अंदर है, कुर्ग के अंदर है, या चाइना के अंदर है। तो यहाँ ए है वो करेक्ट आंसर है, प्रेंजोल फादर ओन्ड ए ट्री गार्डन इन देखियाबारी। ओके, देखियाबारी असम में पड़ता है, वहां पर उसका एक चाय का बाग था, चाय की फैक्ट्री थी। क्वेश्चन नंबर 31, हु वॉज द फर्स्ट टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ टी लीव्स। चाय के जो पत्ते होते हैं उनका जो टेस्ट है वो लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। एन एम्परर ऑफ ग्रीक, वो यूनान का कोई किंग था, एम्परर किंग होता है। एन एम्परर ऑफ चाइना, वो चाइना का कोई राजा था। एन एम्परर ऑफ असम, असम का कोई वो राजा था, या एम्परर ऑफ बनारस, या वो बनारस का रहने वाला था, गौतम बुद्ध, आपको याद आ रहा होगा। तो यहां पर बी है वो ऑप्शन करेक्ट है, द फर्स्ट पर्सन टू टेस्ट द फ्लेवर ऑफ टी लीव्स वॉज एन एम्परर फ्रॉम चाइना इन 2700 BC। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड फेल इन द पॉट ऑन द फायर। ओके, पॉट जो थी फायर के ऊपर, जिसके नीचे आग लग रही थी, पॉट एक पतीला कह लो, घड़ा कह लो, जो कि आग के ऊपर रखा हुआ था पानी को बॉयल करने के लिए, उसके अंदर क्या गिरा। तुलसी लीव, तुलसी के पत्ते, पीपल लीव, पीपल के पत्ते, या टी ट्विक्स, या चाय की कुछ टहनियां, या नथिंग, या कुछ नहीं गिरा। तो यहां सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सम टी ट्विक्स फेल, ओके, सम टी ट्विक्स फॉल इन द पॉट ऑन द फायर, ओके, पॉट ऑन द फायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन है, व्हाट डिड बोधि धर्मा एन एंशियंट स्टिटिक डू टू अवॉइड स्लीप। जो बोधि धर्मा था, जो कि पुराने समय के अंदर एक संत था, उसने सोने से बचने के लिए क्या किया। कट हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकें काट ली। वोर बैंडेजेस ऑन हिज फोरहेड, उसने अपने माथे पर पट्टियां लपेट ली ग्रिफिन की तरह से, या स्वोलोड ए रेयर ड्रग, या ग्रिफिन की तरह से उसने एक रेयर ड्रग है वो निगली, या नन ऑफ दी बव, या उसने कुछ नहीं किया। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ही कट हिज आई लिड्स, उसने अपनी आई लिड्स है वो काट ली, एंड
फ्रॉम दीज आईलेट सेवन ट्री प्लांट्स ग्रू अप. ओके, इन आईलेट से सात चाय के पौधे उगे. एंड व्हेन दीज लीव्स वर बॉइल्ड इन वाटर स्लीप वैनिश्ड. और जब इनको पिया गया उबाल करके तो स्लीप है वो भाग जाती थी. ओके, अब 34th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं. मैच द चैप्टर विद देयर ऑथर एंड राइटर. आपने चैप्टर्स को मैच करना है ऑथर्स के नेम के साथ. तो टी फ्रॉम असम, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग. ओके, टी फ्रॉम असम इज रिटन बाय रूप कुमार दाता. ए बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटन बाय ल्यूसियो रोड्रिग्यूज. एंड कुर्ग इज रिटन बाय लोकेश एब्रोल. ओके, लोकेश एब्रोल. सो स्टूडेंट, दिस इज माई लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्री चैप्टर्स. ओके, दिस वीडियो इज ओनली ऑफ 21 मिनट. ओके, एंड आई हैव रिवाइज यूर ऑल दी थ्री चैप्टर्स. ओके, इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओके, आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.